What's up guys, I hope you're doing awesome. In this series of Luxury Fine Dine, I'll be covering few places in New Delhi NCR who serves amazing food. Yaar, ye series badi interesting hone wali hai and it's gonna be full of new experiences. Now adding to this, aaj main aap logo ko leke ja raha hoon Andaz, which is a 5-star property located in Aero City, and I'll be tasting their very popular lazy Sunday buffet at Annamaya. So without wasting any further time, let's go. Alright guys, so I have reached Annamaya, and the moment you enter, you'll see a big dessert stall. And honestly, यार मेरी नियत तो वहीं फिसल गई थी. फिर आप थोड़ा सा अंदर आते हैं, there is this huge bar और यहाँ पे थोड़े से stalls हैं जहाँ पे artisans अपने products बेच रहे हैं. उसके बाद there is a huge food hall, वहाँ पे आपको roast section मिलेगा, वहाँ पे there is a European snack section, Indian starter section, Indian main course section. And guys, I must mention, the vibe is very surreal here. Their menu covers Indian and European food. यहाँ पे बूफे तो है ही है, साथ में यू कैन ऑल्सो ऑर्डर फ्रॉम देयर आला कार्ट मेन्यू. तो आज हम खूब सारा खाना खाने वाले हैं यहाँ पे. विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट इन द वीडियो. Alright guys, so my plate of European starters is here. तो यार ये है मेरे पास chicken bruschetta. This is cheese bruschetta and this is lamb slider. और साथ में मेरे पास है crisp pita. Oh, that's so good. साथ में मेरे पास है hummus and थोड़ा सा salad. I'm gonna start with chicken bruschetta. Awesome. चिकन का जो फ्लेवर आ रहा है ना, ओए होए होए गाइस, दिस चीज ब्रुशेता इज टॉप्ड विद ब्लूबेरीज एंड दिस इज सो गुड. नाउ आई एम गोना ट्राई दिस लैम्ब स्लाइडर. गाइस द ब्रेड इज लिटिल हार्ड, but I like the filling though. Time for this crisp pita with hummus. Not bad yaar, flavor isme se thoda citric sa aa raha hai, and this hummus is full of veggies. Guys, I'm gonna quickly wrap this up and ab main thode se Indian starters daal ke laata hu. Alright guys, so my plate of Indian starters is finally here. मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ मेरे पास है क्या क्या. This is chicken tikka. यार देखो नाम बड़े इनके फैंसी थे, तो जो जेनेरिक नेम है मैं उससे ही आपको बता देता हूँ. And this is lamb kebab. फिर हमारे पास हैं vegetable tikki. Alright, दही के कबाब. ऑल्दो यार ये दही के शोले क्रिस्पी नहीं है, बट आप जैसे ही इनको थोड़ा सा बाइट करते हो ना, दे जस्ट मेल्ट इन योर माउथ. अब मैं टेस्ट करने वाला हूँ तिल की मच्छी. देखते हैं भाई डील क्या है इस तिल की मच्छी की. ओह गाइस, सो बेसिकली दिस इज फ्राइड फिश टॉप विद अ लॉट ऑफ तिल एंड अ लॉट ऑफ मसाला. And I just love it.
awesome. वैसे एक बात बताऊं, मेरे पास लैम के भी टिक्के हैं, इनको चख के देखते हैं यार. गाइस एक्चुअली इन लैम के टिक्कों में ज़्यादा कोई खास फ्लेवर है नहीं और मुझे थोड़े से हार्ड लगे. नाउ आई एम गोना ट्राई द चिकन टिक्का. Oh wow. This is so good. भाई इतना सॉफ्ट चिकन बड़े दिनों बाद खा रहा हूँ मैं. वाओ गाइस, इसकी मैरिनेशन बहुत अच्छी हुई है और इसको ओवर कुक नहीं किया हुआ. दैट्स द रीज़न ये इतना हार्ड नहीं है एंड ग्रीन चटनी के साथ इसके फ्लेवर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं. अब यार ये लैम के कबाब बच गए हैं. लेट्स डिग इनटू लैम के कबाब नाउ. गाइस ऑनेस्टली स्पीकिंग ये थोड़े ठंडे हो गए हैं और वैसे भी इनके अंदर से मुझे कुछ खास फ्लेवर आ नहीं रहा है. तो आउट ऑफ ऑल आई लव दिस चिकन टिक्का. यार ये कितने टेंडर हैं मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ एंड आई कैन ईट दिस चिकन टिक्का ऑल डे लॉन्ग. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दीज वेजिटेबल टिक्कीज बड़ी छोटी छोटी क्यूट सी हैं. ओह डिलीशियस. दिस टिक्की इज फुल ऑफ फ्लेवर्स. अब मैं जल्दी से थोड़े बहुत स्नैक्स जो बचे हैं उनको ख़त्म करता हूँ. देन आई एम गोना जंप स्ट्रेट ऑन टू द मेन कोर्स. ऑलराइट गाइस, सो लेट्स डिग इनटू द मेन कोर्स नाउ. यार मैंने डाला है, दिस इज़ चिकन बिरयानी, साथ में मैंने डाले हैं छोले और मैंने डाला है कढ़ाई पनीर और मेरे पास साथ में है दीज गार्लिक नान. तो भाई गर्मा गर्म नान के साथ पनीर खाने का तो यार मज़ा ही कुछ और है. ओ वाओ गाइस, दिस पनीर इज सो स्मूथ. यार इसके अंदर से ना इतने सारे फ्लेवर्स आ रहे हैं और इसके अंदर इन्होंने क्रीम और बटर डाल के वो ओवरडू वाला सीन नहीं करा हुआ. जैसा कढ़ाई पनीर मुझे अच्छा लगता है एकदम ये वैसा ही है. और यार इन्होंने ना मुझे इस कढ़ाई पनीर को बड़ी क्यूट सी पोटली में सर्व किया है. सो गुड. अब मैं करूँगा अपनी चिकन बिरयानी को टेस्ट. यार ये चिकन दम बिरयानी है, इसके अंदर कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स नहीं है, कोई खड़े मसाले ज़्यादा इन्होंने डाले नहीं हुए. बट पर्सनली यार मुझे हैदराबादी बिरयानी ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि यार उसका फ्लेवर थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. गाइस ऑनेस्टली इनकी मेन कोर्स की वैरायटी काफ़ी लिमिटेड है विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि जब भी मैं बुफे खाना खाने जाता हूँ वहाँ पर इतनी सारी चीज़ें होती हैं फिर सारा फ्लेवर मिक्सअप हो जाता है. बट इन्होंने जितना भी सर्व किया है दैट इज़ वेरी गुड एंड दे आर फुल ऑफ फ्लेवर्स. तो यार अब मैं ये सारा ख़त्म करने वाला हूँ क्योंकि बहुत बड़ा चंक अभी मेरे पेट का डेजर्ट की वेट कर रहा है एंड दे हैव अ डेडिकेटेड काउंटर फॉर द डेजर्ट. और एक और सबसे बढ़िया बात, ये हर 2-3 महीने में सीज़न के अकॉर्डिंग अपना मेन्यू चेंज करते हैं क्योंकि ये सीज़न के अकॉर्डिंग अपनी फ्रूट्स और वेजिटेबल डायरेक्टली फार्म से लेके आते हैं एंड दे डोंट बिलीव इन यूजिंग प्रिजर्व फूड, सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. तो यार अब मैं इसको खाता हूँ और देन आई एम गोना मीट यू विद द डेजर्ट्स. Alright guys, so I'm back with the dessert and जब से मैं यहाँ पे आया हूँ ना मैं इस टाइम का वेट कर रहा था कि यार कब खाना ख़त्म हो और कब मैं डेजर्ट टेस्ट करूँ. तो मैं जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ मैं डेजर्ट्स में लेके क्या क्या आया हूँ. सो दिस इज़ ओरियो चीज़ केक, साथ में ये है हमारा स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक विच इज़ टॉप्ड विद अ डोनट और उसके ऊपर इन्होंने एक ब्राउनी लगा के सर्व किया है. एंड दिस इज़
some kind of a tart. Yaar, iska na naam main bhul gaya hu. This is pot of goodness. Have a look. Bhai, sabse interesting cheez mujhe yahi lag rahi hai yahan pe. Aur this is some kind of a bread which is topped with chocolate. I'm gonna start with pot of goodness. All right. Oh wow. This is so good. I have literally murdered this pot of goodness. Guys, actually इन्होंने चॉकलेट से एक पॉट बनाया हुआ है और नीचे इन्होंने चॉकलेट क्रीम लगाई, फिर उसके ऊपर इन्होंने विप क्रीम डाली और इस चॉकलेट के साथ उसको फिर टॉप किया. मुझे तो यार ये बहुत अच्छा लगा है. दिस इज़ सो गुड. नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एम गोना टेस्ट द ओरियो चीज़ केक. ओह वाओ, दिस थिंग is so heavenly. My day got better with this Oreo cheesecake. Guys, if you want to enjoy your Sunday here, तो मैं आपको यहाँ के prices बता देता हूँ. तो 2300 plus taxes is the price for buffet for one person. And if you want to enjoy wine and beer, तो price है 3400 with taxes. Now considering the vibe, I believe this is a good deal. और मैंने आपको यहाँ का खाने का रिव्यू तो दे ही दिया है. द खाना वॉज टू गुड. आई एम गोना रेटेड 4.515. एंड आई होप यू लाइक द फर्स्ट एपिसोड ऑफ लग्जरी लंच. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डू कमेंट और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में. तब तक के लिए हैप्पी ईटिंग.